और ऐसी डॉक्टर ऋतु को ये इनकॉम्पिटेंट जो है प्रिंसिपल वो निकालेंगी। हौसला देखो बेईमानियों का और बेईमानी करने का, ये हौसला देखो कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। हम चोरी करें, डकैती डालें, कुछ भी करें, हमारे खिलाफ एक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोग सिस्टम में हर जगह बैठे हैं। अगर 60 के दशक से देखा जाए तो 1,00,000 नौकरियां चुरा रखी हैं और उसके बाद ईमानदार और शरीफ बनेंगे कि हम वाइस चांसलर हैं। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। और आज शहीद आजम भगत सिंह साहब का भी बर्थडे है, तो जय भगत सिंह, जय भगत सिंह। भानु प्रताप जी का, और आज यहाँ पर मौजूद जो भी लोग आए हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के, वो सभी मुझे देख के बहुत खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है कि ये सभी लोग वो हैं जो प्रताड़ित हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ नुकसान उठाया है। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें, भानु प्रताप जी, इनके पिताजी एक सबसे काबिल जज थे, उनके खिलाफ साजिश करके, सोच लीजिए, यह जुडिशरी की बात मैं बता रहा हूं आपको, उनके खिलाफ साजिश करके, झूठे सबूत पैदा करके, झूठी इंक्वायरियां करके उनको हाईकोर्ट जाने से रोका। क्यों? क्योंकि वो दबने वाले नहीं थे, न्याय करने वाले थे। और जब हाईकोर्ट से उनकी एज खत्म हो गई तब फैसला आया इनके हक में, इनके पिताजी के, तो ये भी प्रताड़ित थे। और अगर भानु प्रताप जी जैसा व्यक्ति, उनके वालिद प्रताड़ित हो सकते हैं, तो बाकी लोगों की आप अंदाजा लगा सकते हो। मैंने इस तरफ देखा तो इंदू जी हैं, इंदू चौधरी जी, इंदू सिंह जी, ये इतनी मजबूत महिला है, इनके साथ पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। मैंने थोड़ा और इधर देखा तो डीसी कपिल साहब है, ठेकेदारी हटाओ मिशन के खिलाफ ये उसमें काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। उससे पहले इन्होंने दिल्ली सरकार की चूल्हे हिला दी थी देसू में और इलेक्ट्रिसिटी विभाग में, जो चोरी सरकारें कर रही थी उसकी चूल्हे हिला दी थी। उसके ये इंजीनियर के पद पे थे और वहां की यूनियन के प्रेसिडेंट थे, इनके खिलाफ भी साजिश करके रातों रात इनका घर तक छीन लिया, ऐसे मजबूत व्यक्ति। तो इतने बड़े बड़े मजबूत लोग, ये अब मेरे इस तरफ सामने देखता हूं तो नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के लोग हैं, राजेश जी हैं, दूसरे लोग हैं, इनके लिए भारत की सरकार ने एक कानून बनाया कि इनका हक है। अगर ये अपना हक लेने के लिए, जो हक इनका कानून ने पार्लियामेंट में दिया है वो हक लेते हैं, तो पुलिस आके इनके ऊपर डंडे चलाती है, अपराध करती है। तो आज जो ये जमावड़ा है वो ना सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लोगों का है, बल्कि ऐसे लोगों का है जो किसी ना किसी रूप से जबरदस्त तरीके से प्रताड़ित हैं, और उससे भी बड़ी बात, जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ने वाले हैं, दुश्मनों को हराने वाले हैं। इस देश में अगर एनएचएफ वाले ही थोड़ी सी हम लोगों की, सब प्रताड़ित लोगों की मदद कर देना, तो फिर हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों की तरफ बहुत ही उम्मीद से, आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, आप करोड़ों की संख्या में हो और आपका हक जो है छीना जा रहा है सर, तो आप लोग ही हम सबकी मदद कर सकते। समता सैनिक दल, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं बनाया था, इसमें हमें अभी 2 दिन पहले उनका सम्मेलन था, वहां बाबा साहब के जो पौत्र हैं वो भी थे और इसके वो मुख्य संरक्षक हैं। तो ये आरएसएस से पहले समता सैनिक दल बना था,
24 में, 25 में आरएसएस बना था, बाबा साहब का आइडिया लेके ही ये आरएसएस बना था। तो हम लोगों ने तो बाबा साहब का मिशन शायद मजबूती से नहीं पकड़ा, उसी की वजह से आरएसएस आज इतनी मजबूत हुई है। हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वो मनुस्मृति जो बाबा साहब ने 1927 में जलाई थी, उसको भारत और उसके बाद भारत का संविधान बनाया था, उसको भारत के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति दोबारा लागू करने की जो है साजिश हो रही है। थोड़ा और उधर देखता हूँ तो हरनाम जी खड़े हैं वहां पे, वो भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ा वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो मनुवादी हैं, ये शायद कभी न्याय करेंगे, इनकी जो सामर्थ्य है, इनकी जो कैपेबिलिटी है, इनका जो टैलेंट है, उसको उसका 100% नहीं तो 2-3% तो इनको रिटर्न मिलेगा। ये इनकी गलतफहमी है मेरे हिसाब से, दूर होते होते हो जाएंगे। न्याय एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज जो हम लोग हैं, वही ईमानदार बाय बर्थ बाय जेनेटिक्स बाय जीन्स होते हैं। बाकी सब लोग जगह जो बच जाते हैं लोग, वो बेईमानी करते हैं, वो नाइंसाफी करते हैं, वो जुल्म करते हैं। उनमें से कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी जीन्स के खिलाफ जाकर ईमानदार होते हैं या इंसाफ करने वाले होते हैं। तो हरनाम जी जैसे लोगों को, ऐसे मुट्ठी भर लोगों में से कोई कभी मिलेगा नहीं, और संघर्ष करते रहेंगे, सारा काम ये करेंगे, मलाई बाकी बचे हुए लोग खाएंगे। आखिर में मैं आता हूं डॉक्टर ऋतु पे। अभी बहुत सारे लोगों ने कहा, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एससी एसटी कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ मौजूद हैं, ये भी संघर्ष करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है राजबीर सिंह साहब, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो पीड़ा तो समझते हैं लेकिन पीड़ा के लिए संघर्ष करने के लिए आगे नहीं आ रहे। और आज मुझे खुशी है, तो डूटा से हमने करबद्ध निवेदन किया था, मैंने स्वयं अपनी तरफ से भी मैसेज भिजवाया था उनके, और हमारे बीच में जो कुछ ब्रिज वाले लोग हैं। शुरू में जब डॉक्टर ऋतु सिंह एक कमजोर शख्सियत लग रही थी उन्हें, डूटा साहब को, डूटा वालों को, तो बड़ी आगे आके मदद कर रहे थे कि हम इस कमजोर महिला की मदद करेंगे, लेकिन उसको अधिकार दिलाएंगे, जब अधिकार दिलाने की बात आ जाएगी तो उसमें आज यहाँ मौजूद नहीं है। मुझे बड़ा दुख है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बात सुने और लीड लें ये साबित करने के लिए कि डूटा के अंदर भी कुछ ईमानदार लोग बाकी हैं। डॉक्टर ऋतु से अच्छा केस, डॉक्टर ऋतु से मजबूत केस इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी का नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर ऋतु अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, इनके पास ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर होने का। ये दौलत राम की प्रिंसिपल और यहाँ पे जो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं ना, इस बात को सुन ले, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नौकरी इन्हें मिल सकती है। अब दौलत राम कॉलेज जो है मेरे ख्याल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तो कम ही होगा ना, और वहां की प्रिंसिपल तो बिल्कुल ही नालायक है, मैं कह रहा हूं नालायक, बेईमान है। मनुवाद नहीं, मनुवादी तो अलग बात है, ये इनकॉम्पिटेंट है। डॉक्टर ऋतु के साथ वो तो अलग बात, डॉक्टर ऋतु के साथ बैठकर किसी भी टॉपिक पे मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो किसी भी टॉपिक पे बैठ के डिबेट कर ले और पूरी दुनिया ना देख ले कि डॉक्टर ऋतु को अगर 100 आता है तो उन्हें 2 आता है, और ऐसी डॉक्टर ऋतु को ये इनकॉम्पिटेंट जो है प्रिंसिपल वो निकालने की हैसियत क्या है पहले, और निकालने के लिए जो एकलव्य का कॉन्सेप्ट है ना, मैं अभी उनके मन में वो मनुवाद बैठा है महिला होने के बावजूद, वो तो अलग बात है, जो एकलव्य का एग्जांपल है ना सबसे बेस्ट था वो, एक तरफ सब एक तरफ वो अकेला,
तब भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा था, यही कॉन्सेप्ट है ना एकलव्य का। तो इसको छल कपट से, मेरी समझ से तो यही है, छल कपट से भावनाओं में लेकर उसका अंगूठा लिया। क्यों? क्योंकि अगर एकलव्य का कॉन्सेप्ट एकलव्य खड़ा रहेगा तो उसके सामने सब जो है बौने नजर आएंगे। यही आज डॉक्टर ऋतु के साथ हो रहा था। तो अब हटाएं कैसे? ये तो सबसे अच्छी है, हर तरीके से सबसे अच्छी है, तो अब हटाएं कैसे? तो हम डॉक्यूमेंट फोर्स करेंगे, छल और कपट। 35 बच्चे की कंप्लेंट फाइल किए, जब सवाल ये पूछे गए गए और उसको हाई कोर्ट में फाइल किया। हौसला देखो बेईमानियों का और बेईमानी करने का, ये हौसला देखो कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, हम चोरी करें, डकैती डालें, कुछ भी करें, हमारे खिलाफ एक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोग सिस्टम में हर जगह बैठे हैं। ये हौसला यहां से आता, यही हो रहा ना। 2700 नौकरियां चुराई हैं, डकैती डाली है, 2700 नौकरियां जो कम से कम है। और सागर साहब से मैं कह रहा था, तो सागर साहब से बात करके मुझे ऐसे लग रहा है करीब 100,000 नौकरियां चुरा रखी हैं। अगर 60 के दशक से देखा जाए तो 100,000 नौकरियां चुरा रखी हैं, और उसके बाद ईमानदार और शरीफ बनेंगे कि हम वाइस चांसलर हैं, हम रजिस्ट्रार हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। बेईमान और चोर है वो एक अलग बात है, वो पीछे है, मगर हमारा मुखौटा जो है वो वाइस चांसलर रजिस्ट्रार का है, हमारा मुखौटा प्रिंसिपल का है। तो हमारी इज्जत करो, काम हमारे ऐसे होंगे कि हम चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, डॉक्यूमेंट फोर्स करेंगे, हमारी इज्जत करो, नहीं तो आप जो है पद के खिलाफ बात कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के खिलाफ बात कर रहे हो। अरे आप उन पदों के नाम पर धब्बा हो, आप ऐसे लोग हो जो इस बात का एग्जाम्पल होने चाहिए, इस बात का एग्जाम्पल होने चाहिए कि ऐसे लोगों को इन पदों पर नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई ऐसा पैमाना बनाया जाए तो ये पैमाना वो होना चाहिए कि दौलतराम के प्रिंसिपल जैसी व्यक्ति को तो किसी स्कूल का प्रिंसिपल क्या, स्कूल का टीचर क्या, चपरासी भी नहीं होना चाहिए। ये उस एग्जांपल है, ऐसे व्यक्ति को तुम बनाते हो प्रिंसिपल इसी काम के लिए ना, कि डॉक्टर ऋतु और उस जैसे सभी लोगों को। पहले तो क्या एनएफएस क्या होता है? एनएफएस मेरा ये मानना है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये एम्स के वाले केस में बहस की थी और काफी जबरदस्त बहस हुई थी, तो मैंने साइंटिफिक डेटा रखने की जब बात की तो सामने वाले लोग जो रिजर्वेशन के खिलाफ थे वो पीछे भाग खड़े हुए। मैंने कहा मैं ये साइंस से प्रूव करूंगा कि एनएफएस अगर कोई होता है तो वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज को छोड़कर जो लोग होते हैं वो नॉट फाउंड सूटेबल होते हैं, बाय बर्थ नॉट फाउंड सूटेबल होते हैं। बाकी लोग, उनमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ईमानदार हो, पर वो मुट्ठी भर लोग। तो डॉक्टर ऋतु का केस ऐसा है, डॉक्टर ऋतु का केस से ये साबित हो गया कि इस तरीके से 100,000 नौकरियां मारी हैं, रिजर्वेशन है ना, इसीलिए 4 डिमांड्स हैं यहाँ पे। पहले डिमांड, डॉक्टर ऋतु के केस में पहले तो FIR ही नहीं हो रही थी, चलिए FIR हो गई किसी तरीके से, गलती से या जैसे भी समझ लीजिए। तो पुलिस ने उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की, ये है दुख की बात, सोच लीजिए, जो इन्वेस्टिगेशन की पूरी ताकत इस बात के लिए लगाई कि किसी तरीके से क्लीन चिट दे दी जाए रजिस्ट्रार साहब को और प्रिंसिपल साहब को और दूसरे प्रोफेसर को, जो सब डॉक्टर ऋतु को झूठे दस्तावेज बनाकर नौकरी से निकालने की साजिश में शामिल थे। 5-6 प्रोफेसर भी हैं उसमें दौलतराम कॉलेज के, और भी अधिकारी हैं जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट फोर्ज किया और उसका इस्तेमाल किया। जो बच्चे हैं ही नहीं उनके सिग्नेचर्स किए, जो दौलतराम कॉलेज में नहीं उनका, और डॉक्टर ऋतु ने उनको पढ़ाया ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन में निकल के आ गया। तो DCP साहब मेरी बात ध्यान से सुन लें, यहाँ के जो हैं हमारे अपने आदमी, बड़ा दुख होता है, वो भी सिख समुदाय से आते हैं, और आज भगत सिंह जी का जन्मदिन है, तो भगत सिंह जी से थोड़ी इंस्पिरेशन लें, प्रेरणा लें। DCP साहब ने अपराध किया इसी डॉक्टर ऋतु साहब के केस में,
इन्वेस्टिगेशन, इनके बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं कराई, इनके बार बार ये बताने के बाद कि पहले शर्मा जी और अब हमारे अपने केशव जी जो है प्रिंसिपल की और दूसरे अपराधियों की, रजिस्ट्रार की और दूसरे यूनिवर्सिटी के जो दूसरे अपराधी हैं उनकी मदद कर रहे हैं और इनके केस का नुकसान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी डीसीपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे पास सबके डॉक्यूमेंट्री सबूत है, तो उनपे धारा 4 लगेगी। अब ये केशव साहब हैं, वो शर्मा जी पे तो लगेगी, पहले वाले जो आईओ थे वो भी अपराधी हैं, उनपे धारा 4 लगेगी, 166 लगेगी। उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई किसी तरीके से सारे सबूत नष्ट कर दे, पुलिस की बात बता रहा हूं मैं आपको, फिर भी सबूत इतने ज्यादा थे कि चार्जशीट मजबूरी में फिर भी फाइल करनी पड़ी। इतने सबूत थे, आप लोग अंदाजा लगाओ, सारी पुलिस की ताकत एक काम पे लगी हुई थी कि किस तरीके से प्रिंसिपल को बचाया जाए, रजिस्ट्रार को बचाया जाए, वाइस चांसलर को बचाया जाए और दूसरे यूनिवर्सिटी के जो दौलतराम कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं और जो दूसरे लोग इस साजिश में शामिल हैं डॉक्टर रितु, उनको बचाया कैसे जाए। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए हुई थी, लेकिन फिर भी इतना मटेरियल आ गया कि चार्जशीट मजबूरी में फाइल करनी पड़ी। तो हाई कोर्ट में जाके ये हमारे आईओ साहब क्या कहते हैं कि मैं इसे अरेस्ट नहीं करूं। कोर्ट पूछ रहा है, भाई आप अरेस्ट करना चाहते हो क्या? ये तो एक कागज है, ये प्रिंसिपल तो हम लोगों ने कहा कि इसकी हिस्ट्री है इस तरह के डॉक्यूमेंट फोर्स करके SC ST OBC और माइनॉरिटीज का नुकसान करने की। तो कोर्ट क्या पूछेगा, भाई आपको कोई पुलिस रिमांड चाहिए अरेस्ट करके, अरेस्ट करने की, ताकि आप और जो अपराध है उनके बारे में पूछ सको, कोई चाहिए? तो वो कह रहे हैं हमें अरेस्ट नहीं करना, ये हमारी VIP है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद भी चार्जशीट फाइल हुई है। तो अब हम कोर्ट के माध्यम से ना सिर्फ उन अपराधियों को, और आज जो ये बॉल है ना VC साहब के पाले में, इसीलिए यहाँ एक छोटी सी गैदरिंग हुई आज, ये गैदरिंग समझ लें 1% है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये सारे अपराध जितने भी हुए, दौलत राम प्रिंसिपल की प्रिंसिपल ने जो किए हैं, उनके साथ मिले हुए प्रोफेसर्स ने जो किए हैं, उनके साथ मिले हुए उनके दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों ने जो किए हैं, यूनिवर्सिटी के साथ जो रजिस्ट्रार लेवल तक की, तो कंफर्म हमारे पास सबूत है, पुलिस को दे रखे हैं। रजिस्ट्रार साहब ने जो क्राइम्स किए हैं उसके अलावा क्या वाइस चांसलर साहब भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है या नहीं है? ये पब्लिक मीटिंग जो आज हमने कॉल किए इसलिए किए कि अब हम वाइस चांसलर साहब को ये मौका दे रहे हैं कि अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इस सारी फोर्जरी, इस सारे डॉक्टर रितु के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए उसमें वो शामिल नहीं है, तो तुरंत प्रभाव से हमारी पहली दो डिमांड, वो जो उनके हाथ में है रजिस्ट्रार साहब को टर्मिनेट करने की और प्रिंसिपल को टर्मिनेट करने की, वो काम करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये इस बात का साफ सबूत होगा कि ये सब काम उनकी नॉलेज में ही नहीं, उनकी जानकारी में ही नहीं, उनके इशारे पे हुआ, वरना अब ठीक कर दें। ये पहली दो डिमांड्स। तो उसके बाद है 27 जो हजारों नौकरियां जो चुरा ली गई हैं, और इसीलिए डॉक्टर रितु का केस मजबूत और करना जरूरी है, क्योंकि ये अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ रही है। मैंने कहा ना कि इनको ऑक्सफोर्ड में मिल जाएगी नौकरी, ये अपनी नौकरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रही है कि खुद तो चाहे जिस भी तरह से, और बहुत सारे तरीके इन्होंने बताए हैं कि एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते हैं पकौड़े तलो उससे, अब ये PhD करके इस चीज के लिए भी तैयार है, मैं देश छोड़ के नहीं जाऊंगी, पकौड़े तक तल लूंगी मगर ये अन्याय नहीं होने दूंगी। पकौड़े भी तलवाएंगे, पकौड़े तलने की भी लड़ाई लड़ी जाएगी, इसीलिए आप यहाँ पर हो ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आज जो ये समागम बन रहा है ना, ये सब लड़ाइयाँ एक साथ होकर लड़ने की। तो डॉक्टर रितु के केस में ये है कि जो 1 लाख के करीब नौकरियां जो रिजर्वेशन का प्रोसीजर इन्होंने धोखाधड़ी करके चेंज किया, डॉक्यूमेंट्स फोर्जरी की है, वो भी सब फोर्जरी है, जो SC ST एक्ट के तहत अपराध किया है
उसको पकड़वाने के लिए डॉक्टर ऋतु जो है ये संघर्ष कर रही है, इनकी अपनी नौकरी का नहीं है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, हम सब ने लाइन खींच के ये लड़ाई लड़नी है। ये इसमें डॉक्टर ऋतु एक ऐसी भगत सिंह जी की और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फॉलोअर है जो पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना डर के ना लालच से। तो एक एग्जाम्पल हमें ऐसा मिल गया है कि इस एग्जाम्पल के तहत हम अपने सभी लोगों को न्याय दिलवाएं और सभी लोगों को जो बेईमान है उन्हें बेनकाब करें। मैं डूटा का नाम यहां नहीं ले रहा हूं, उनको भी मौका दे रहे हैं कि आए और ज्वाइन करें। जो मुंह दिखाने के लिए छदम सहानुभूति रखते हैं ना, उनको हम अच्छे से पहचानते हैं। तो ये बात है, इसीलिए डॉक्टर ऋतु के केस में हम सभी लोगों को मजबूती के साथ लड़ना है। और ना सिर्फ डॉक्टर ऋतु का केस हम जीतेंगे तो वो हजारों नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि हर एक केस में हर एक जो नौकरी डॉक्टर ऋतु की तरह चुराई है वो SC ST एक्ट के तहत अपराध है। हर एक जो नौकरी चुराई है वो डॉक्यूमेंट फोर्ज करके चुराई है, गलत बयानी करके चुराई है, NFS लिख के कराई है, ये सब अपराध हैं जो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने किए हैं। इसलिए ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, डॉक्टर ऋतु की लड़ाई नहीं है। पायल तड़वी, रोहित वेमुला, प्रोफेसर चंद्रशेखर को जैसी दशा रोकने की लड़ाई है। कि हम, हमारी एक और कमी है कि जब हमारा कोई दुनिया से चला जाता है ना, जब हम उसकी पूरी ताकत से जय जयकार करते हैं, मदद करने जाते हैं, जिंदा मोमबत्तियां लगाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, उसमें हम लोगों का अपना फायदा होता है। मैं बहुत ही बेबाकी के साथ कह रहा हूं, अपना फायदा ज्यादा होता है। मरने वाला तो मर गया, उसका परिवार जो है खराब होना था हो गया, जब वो जिंदा था हमने उसकी मदद नहीं की तो हमें शर्मिंदा होना चाहिए। आज डॉक्टर ऋतु जिंदा है, आज ये इंदु सिंह जी जिंदा है, आज ये हमारे सारे NFS के लोग, जो नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के लोग, ये सब जिंदा है। इनके लिए हमें सब लोगों को मिलके इकट्ठे होके लड़ना है। हमारी डिमांड क्या है? चोरी मत करो, यही डिमांड है हमारी, और कोई डिमांड नहीं है। बेईमानी मत करो, धोखाधड़ी मत करो, पदों पे रहकर धोखाधड़ी बेईमानी और चोरी करना बंद करो। जो जिस पद पे बैठा है वो संविधान के हिसाब से और ईमानदारी से काम करे, यही हमारी डिमांड है। दूसरी बात यह है कि एक बात, जो चोर हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा अजम है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ, अपनी वाणी को विराम भी देता हूँ। जय भीम।